तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे इंस्टाग्राम में डीएम भी आए थे कि पहले व्यूज़ आते थे रील में, अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि पहले व्यूज़ आ रहे थे लेकिन अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये वाली दिक्कत अगर आपके साथ भी है कि पहले अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अचानक आईडी स्टक हो गई, फ्रीज़ हो गई, क्या रीज़न है? पहले व्यूज़ आते थे और अब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके क्या रीज़न है, दो तीन जो मेजर रीज़न है, जो मेन रीज़न है जो शायद आपको नहीं पता होंगे वो मैं बताऊंगा, और उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने रीज़न बता दिया सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे मेजर रीजन है, वो है मेरे भाई नो कंसिस्टेंसी। आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार आप सच्ची सच्ची बता दो कमेंट करके या फिर डीएम करके मेरे को बता दो कि आपने 30 दिन तक कंटिन्यू 30 रील पोस्ट की और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपने 30 दिन में 60 रील शायद डाल दी होगी या 90 रील डाल दी होगी तीन तीन करके, लेकिन उसमें आपने क्वालिटी नहीं दी होगी। जब क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ये दोनों मिक्स होगी तभी आपका कहीं ना कहीं व्यूज़ आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट भी हो और आपके पास क्वालिटी नहीं है तो व्यूज़ नहीं आएंगे, और क्वालिटी है और आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो भी आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। तो क्वालिटी के साथ आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सबसे मेन रीज़न ये कंसिस्टेंसी। देखो मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के आप खुद सोचो कि आप कितनी वीडियो डाल रहे हो। आप क्या 30 दिन में 30 वीडियो 60 वीडियो 90 वीडियो डाल रहे हो फिर भी आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी आईडी वहां पे आके चेक करूंगा कि आपकी क्या दिक्कत आ रही है। आप इतनी रील डाल रहे हो तो भी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप सोच लेना आप कंसिस्टेंट नहीं हो। मतलब कंसिस्टेंट हो लेकिन आप क्वालिटी नहीं डाल रहे हो। और अगर आपके पास क्वालिटी है बहुत अच्छी, आप क्वालिटी डाल रहे हो, आप माइक यूज़ कर रहे हो, अच्छा कैमरा, DSLR, आईफोन, जो भी एंड्रॉइड फोन है किसी से भी आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, अगर क्वालिटी नहीं आ रही है एंड्रॉइड से तो ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और आईफोन वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड से ये वीडियो देख लो, आप क्वालिटी की अपनी जो क्वालिटी आपकी उसको इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी होगी तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपको कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें। पहला मैंने आपको कारण भी बता दिया कि आपके पहले व्यूज़ आते थे अब नहीं आ रहे हैं, ये क्या दिक्कत है, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो ये रीज़न आप देख लो कहीं पर लिख लो, कंसिस्टेंट विथ क्वालिटी। अब आप एग्जांपल मान लो, जैसे मैं हूँ, मैं इंस्टाग्राम की टिप के बारे में वहाँ पे बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, चलो ये छोड़ो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मैं डांस करता हूँ, तो मैं डांस करते करते अचानक अगर मैं गाना गाने लग जाऊँ या अचानक मैं ड्राइंग वाली वीडियो डालने लग जाऊँ, जैसे ड्राइंग की वीडियो वायरल हो रही है तो मैं ड्राइंग की वीडियो डालने लग गया। डांस की मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी लेकिन मेरी ड्राइंग वाली वीडियो वायरल हो गई, तो उससे मेरे पास ऑडियंस तो आ गई। अब मैं वापस डांस शुरू करूँगा तो जो ड्राइंग वाली बंदे लोग आए, बंदा बंदी जो भी है ड्राइंग वाले, वो मेरी डांस की वीडियो को क्यों देखेंगे? क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है डांस में, उनको इंटरेस्ट है ड्राइंग की वीडियो में। और आपने बीच में डाल दी ड्राइंग की, वो वायरल हो गई, क्योंकि इंस्टाग्राम में कोई भी नहीं पता चलता मेरे दोस्त कि आपकी कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाए, कब किस पे व्यूज़ आते। आप अपना काम करते जाओ, अपनी आप मेहनत करते जाओ, आप उस पर मत टिको कि मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, नहीं हो रही। आपको अपना काम करते जाना, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो नीच है, वो आपको करते जाना। यहाँ पे मैं 10-15 चैनल के नाम ले सकता हूँ, चैनल के नाम भी ले सकता हूँ और 10-15 अकाउंट के भी नाम ले सकता हूँ, तो मिक्स कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल देते हैं, अगर वो 10 चीज़ डाल रहे हैं ये चीज वायरल हो गई, तो इस चीज को वो डेली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट, उनकी नीच अलग है। अगर वो इस चीज पे काम करेंगे कंटिन्यू तो शायद वो ग्रो हो जाए। अगर ये चीज उनको आती है और यही वो डालते हैं, टाइम लगता है। पहले स्टार्टिंग में जब मेरा चैनल मैंने बनाया था यूट्यूब पे, तो 2015 से मैं काम कर रहा हूं, तब भी मेरे इतने व्यूज नहीं थे, मैं बंद कर देता, फिर चैनल बनाता, डिलीट कर देता, बंद करता, ठीक है। अभी मैं 1-2 साल से कंसिस्टेंटली हूं, तो भी आप देख लो 1-2 साल में भी कुछ वीडियोज है जो 7 लाख 8 लाख गई है, कुछ मिलियन गई है, लेकिन बहुत सारी वीडियो आज भी 2-5 हज़ार 10 हज़ार पे रैंक कर रही, तो मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। अगर 10 हज़ार लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 लोग भी देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन रील में लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लोगों के मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, 29 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 50 लाख लाइक आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? तो आपको मेरे दोस्त मिक्स कंटेंट नहीं करना। अगर इस चैनल पे भी मैं व्लॉग शुरू कर दूं, अनबॉक्सिंग शुरू कर दूं, शायद आप भी मेरी वीडियो देखने नहीं होगी कि यार हम तो इंस्टाग्राम की टिप लेने आए थे, बीच में क्या अनबॉक्सिंग वगैरह डाला। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दूसरे चैनल ऐसे हैं जो मिक्स कंटेंट डालते हैं, उनके ऊपर लोग कमेंट करते हैं। तो ये थी मेरे दोस्त आज की वीडियो। तो कभी भी मिक्स कंटेंट मत करना, अपने चैनल पे एक कंटेंट रखना, उसी पे काम करना। टाइम लगता है, मैं मानता हूं यार टाइम लगता है, चीज़ें बहुत बहुत टाइम के बाद कुछ चीज़ें वायरल होती है। एक बार एक वीडियो वायरल हो गई ना तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी वीडियो डालोगे नॉर्मल सी बात है व्यूज़ आएगी, लोगों के नज़र में आ जाओगे आप। और लोगों की नज़र में अगर नहीं आ रहे हो तो ये बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल चेकआउट कर सकते हो, आपको रील के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। कंसल्टेंसी कॉल वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, कंसल्टेंसी कॉल भी अवेलेबल है, जहाँ मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में, ग्रोथ के बारे में पर्सनल कॉल लेके भी आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।